Prime Minister Narendra Modi interacted with students, parents and teachers during his annual Pariksha Pe Charcha and advised parents against putting pressure on children over marks and also gives tips to students on keeping a balance between hard work and smart work, besides using a cricket analogy to highlight the importance of focus. Meanwhile, Mormugao MLA Sankalp Amonkar, Councillor Deepak Naik, along with Headmaster Tulsidas Desai and students attended Pariksha Pe Charcha at Murgao High School at Sada. Kuch log hote hain jo hard work hi karte rehte hain. Kuch log hote hain jinke jeevan mein hard work ka namo nishan nahi hota hai. Kuch log hote hain जो हार्डली स्मार्ट वर्क करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो स्मार्टली हार्ड वर्क करते हैं. और इसलिए कौवा भी हमें सिखा रहा है कि स्मार्टली हार्ड वर्क कैसे करना. और इसलिए हमें हर काम को पहले काम को बारीकी से समझिए. कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि चीजों को समझने के बजाय सीधा ही अपनी बुद्धि अपनाना शुरू कर देते हैं, फिर ढेर सारी मेहनत करें परिणाम मिलता ही नहीं है. मुझे याद है मैं बहुत पहले ट्राइबल बेल्ट में काम करता था तो मुझे काफी इंटीरियर में जाना था. अब जैसे विकेट कीपर होगा तो विकेट कीपर को ऐसे ही झुक करके घंटों तक खड़े रहना होता है. अब हमें क्लास में कुछ गलत किया और टीचर कान पकड़ के नीचे बिठा देते हैं ऐसे हाथ पैर में अंदर डाल के, तो कितना दर्द होता है कि नहीं होता है? एक तो साइकोलॉजिकल भी होता है, फिजिकल भी होता है कि पैर ऐसे करके कान पकड़ के बैठना होता है, तकलीफ होती है ना. लेकिन ये जो विकेट कीपर होता है ना, उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, उसको घंटों तक ऐसे खड़ा रखते हैं ताकि धीरे धीरे उसके वो मसल मजबूत हो जाए ताकि वो विकेट कीपर के नाते अच्छा काम करे. बॉलर होता है तो उसको उस विधा की जरूरत नहीं है, उसको दूसरी विधा की जरूरत है, तो उसको वो करवाते हैं. और इसलिए हमें भी जिस चीज पे जरूरत है वहीं फोकस करना चाहिए जो हमारे लिए उपयोगी है. हर चीज प्राप्त करने की कोशिश से मेहनत बहुत लगेगी, हाथ पर ऊंचे करते रहो, दौड़ते रहो, टिकना करो, फलाना करो, जनरल हेल्थ के लिए फिटनेस के लिए ठीक है. लेकिन अगर मुझे अचीव करना है तो उन स्पेसिफिक एरियाज को मुझे एड्रेस करना होगा. और ये जिसको समझ होती है वो परिणाम भी देता है. अगर बॉलर है और उसके ये मसल्स ठीक नहीं है तो कहां बॉलिंग कर पाएगा, कितनी ओवर कर पाएगा. जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं उनके अलग प्रकार के मसल्स को मजबूत करना होता है. हार्ड वर्क तो वो भी करते हैं लेकिन वो स्मार्टली हार्ड वर्क करते हैं, और स्मार्टली हार्ड वर्क करते हैं तब जाकर के प्रणाम हमें म्हटल्यार आमचे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीचे अभिनंदन करपाची गरज आसा. आयज एवरी इयर ते परिक्षे पे चर्चा म्हणून एक भुरग्यांक संवाद करता आनी ह्या वर्सा तेंच्यानी जानेवारी म्हयन्यान करपाचो थारला, ज्या कारणान परिक्षेक समज कितें प्रॉब्लम आहा, कितें त्रास जाता जाल्यार एक ऑपॉर्च्युनिटी सगळ्या भुरग्यांक तेणी दिल्लेली आसा. तेंचे कितें विचार आहा मनान ते तेंकां सगळ्या स्टुडंटांक डायरेक्ट प्रायम मिनिस्टरा कडेन आपली मांडपाक गावता. ही खरोखरच बरी योजना केल्लेली आसा पळोवपाक लागून. हेच्या पयलीं खंयच्याच प्रायम मिनिस्टरान अशें चिंतूंक नासलेलें की सामान्य स्टुडंटां मेरेन ऑल ओवर इंडिया सगळे बारीक बारीक स्टुडंटां डायरेक्ट एप्रोच जाता. कहने का तात्पर्य यह है गवर्नमेंट हाई स्कूल बाना से हैं हम. आज
from standard 12 and from government higher secondary school Bahinama school. In Parisha Pe Charcha, our Prime Minister Narendra Modi ji motivated us to prepare well and answer our exam as per our capabilities. बारहवीं कक्षा में पढ़ती हूँ. जिसके लिए हमें दबाव दिया जाता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें यह परीक्षा की चर्चा पर यह बात बताई कि बिना दबाव के हमें संतुलित मन से परीक्षा देनी चाहिए. आज परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही प्रोत्साहन वाले शब्द दिए हमारे बच्चों को. उन्होंने बताया कि परीक्षा में कैसे अपने मन को संतुलित रखना है, एकाग्रचित मन से पढ़ना है और अपनी परीक्षा में अपने बलबूते पे बहुत ही अच्छे से निखर के आना है. ब्यूरो रिपोर्ट प्राइम.